हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल को भले ही श्री राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए रात से इंतजार में बैठे तीमारदारों में गहरा रोष पनपा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक के उपलब्ध न होने के चलते शव के पोस्टमार्टम के लिए रात से दिन भर इंतजार करने पर भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। भोरंज के तुरकाड़ी में जहरीला पदार्थ खाकर 36 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा शव को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया ताकि पोस्टमार्टम हो सके, लेकिन आधी रात से पोस्टमार्टम के लिए भटक रहे परिजनों को दोपहर बाद तक भी शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं था। परिजनों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आधी रात से शव के साथ शव गृह में मौजूद हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के रवैये के चलते पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने पर भी सुविधाएं नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे सगे चाचा जी का बेटा है, छोटा बेटा, तो ये काफी कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन में थे, शायद इन्होंने किस वजह से वजह का भी पता चल नहीं पाया है, इन्हें शाम को पॉइजन ले लिया 8:30 बजे के करीब, उसके बाद इनको रेफर कर दिया बस्सी से हमीरपुर और यहाँ 11:30 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। डेड बॉडी हम यहाँ छोड़ के यहीं थे, हम इधर उधर थे, लेकिन सुबह 9 बजे हमें कहा कि 9 बजे आएंगे, तो पुलिस प्रशासन ने तो बड़ी मुस्तैदी से काम किया, बिल्कुल ठीक टाइम से आ गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज होने के नाते इनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम भी 1000 के करीब लोग जो हैं घर में वेट कर रहे हैं, वहां से बार बार फोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, यहां यही क्लियर नहीं हो पाया कि किसको किसकी ड्यूटी इसके लिए लगाई गई है पोस्टमार्टम के लिए। तो सर मेरा आपके माध्यम से उच्चाधिकारियों से ये निवेदन रहेगा कि हमारा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज बन गया है, कम से कम यहाँ के जो अधिकारी हैं और जो डॉक्टर हैं उनको थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यहाँ पे मेरे मामा जी हैं, मेरे भाई बंधु साथ में आ रखे हैं, जो कि कल शाम के 8 बजे से लेके अभी तक मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्या रिलेशन था इनके साथ? मेरा छोटा भाई है जो भी एक्सपायर हुआ है। कार्रवाई 10 बजे क्लियर हो गई थी, उनकी तरफ से बिल्कुल डिले नहीं हुआ है, सिर्फ जो यहाँ पे स्वास्थ्य या जो भी यहाँ डॉक्टर थे उनकी ड्यूटी के रीजन से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे हम सारे लोग यहाँ बैठे सुबह से बैठे हुए हैं। सर रात 2:30 बजे का मैं जूते पहन के रखा हूँ, अभी तक जूते खोले नहीं है। और कौन कौन? गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने पर भी हमीरपुर में इस तरह पोस्टमार्टम के लिए देरी होने से लोगों में चर्चा है, क्योंकि एक ओर तो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने की दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं सामने आने पर सरकार की कथनी और करनी का पता चलता है।